डॉक्टर भोला से, डॉक्टर भोला से, योगी मोदी पीछे हट जाओ ना थोड़े से, एक मिनट को। लो भाई लो, आज कितने मतों से आपकी जीत हुई है और क्या कहना चाहेंगे वोलेंटियर जनता के? भाई 3.25 लाख से विजय रही है इस उसमें, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के और अपने क्षेत्र के सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी अपने मतदाताओं को बहुत बहुत उनका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि पार्टी ने तीसरी बार मुझे यहाँ से मौका दिया, मुझ पर विश्वास जताया और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और यहाँ की जनता ने तीसरी बार उस विश्वास को अपनी मोहर लगाकर, और मतदान कम होने के बावजूद भी, परसेंट कम होने के बावजूद भी इतनी प्रचंड बहुमत की जीत दी है। इसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। इस बार कौन से ऐसे काम होंगे जो जनता के रहेंगे? देखिए 10 साल में देश के साथ साथ बुलंदशहर में भी ऐतिहासिक विकास हुआ है, और उस विकास की सौगात में हमारे बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ बुलंदशहर से मेरठ, बुलंदशहर से अलीगढ़, बुलंदशहर से दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, लगभग 40 से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में वो बनना, सड़क बनना, और इसके साथ साथ हम जब 2014 से पहले गैस के लिए जाते थे तो लाइन में लगते थे, लेकिन मोदी जी ने इस 5 साल 10 साल के कार्यकाल में वो पाइप गैस की लाइन ख़त्म करके पाइप लाइन के द्वारा रसोई तक गैस पहुंचाने का काम बुलंदशहर में शुरू कर दिया है। और जो सरकार की योजनाएं थी, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास में मकान बनना हो, और चाहे हमारे जो गरीबों को अनाज पहुंचाने का काम हो, सभी को बहुत ऐतिहासिक स्तर से हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन को लाभ पहुँचाने का काम किया है, और मैं देख रहा हूँ कि उसी का परिवर्तन लोगों में है, जो एक परिवर्तन के रूप में बुलंदशहर को इन्होंने देखा, और आने वाले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का और हमारा संकल्प विकसित बुलंदशहर का है। जो बुलंदशहर के और विकास के कार्य छूटे उनको हम पूरा कराने का काम करेंगे, NCR के उसमें जो विकास है वो पूरा लेके यहाँ पर आएंगे, और सरकार की प्रत्येक योजनाओं को जन तक पहुँचाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।